हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बी आर सिविल इंजीनियर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? आप कहीं भी सिविल इंजीनियर जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न किस तरह के होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लें कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको ग्रुप डिस्कशन में भेज दिया जाता है। उसके बाद से जो ग्रुप डिस्कशन में शॉर्ट लिस्टेड होता है उसे फाइनल इंटरव्यू में भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये एक प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताया इंटरव्यू के लिए। नॉर्मल कंपनियों में ऐसे ही इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट कवर अप प्रोवाइडेड फॉर द डिफरेंट आरसीसी मेंबर। जो क्लियर कवर होता है डिफरेंट आरसीसी मेंबर के लिए कितना कितना रखा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, फुटिंग में हम लोग 50 एमएम की कवर रखते हैं, कॉलम में हम लोग 40 एमएम की कवर रखते हैं, बीम में हम लोग 25 एमएम कवर रखते हैं और स्लैब में हम लोग 20 एमएम की कवर रखते हैं। अगर कोई आपसे रेफरेंस पूछे तो आप लोग IS 456 का नाम ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन ए बिल्डिंग। बिल्डिंग में कॉलम का क्या काम होता है? तो दोस्तों, कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर इन ए बिल्डिंग हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोर्ट स्ट्रक्चरल लोड एंड ट्रांसफर इट थ्रू बीम्स। अपर कॉलम ट्रांसफर द लोड टू द लोअर कॉलम एंड फाइनली टू द ग्राउंड थ्रू फुटिंग। दोस्तों, जो ऊपर वाला कॉलम होता है वो बीम के मदद से नीचे वाले कॉलम पे लोड ट्रांसफर करता है और नीचे वाले कॉलम फुटिंग पे लोड ट्रांसफर करता है और फुटिंग से ग्राउंड पे लोड ट्रांसफर हो जाता है। यही कॉलम का फंक्शन होता है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो फॉर वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। मतलब वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में सीमेंट और सैंड एग्रीगेट का क्या रेशियो होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, ग्रेड हम लोग M7.5 में सीमेंट और सैंड का रेशियो जो होता है 1:4:8 का होता है और जो M10 का होता है 1:3:6 होता है और जो M15 का होता है 1:2:4 होता है। जो M20 का होता है उसका होता है 1:1.5:3। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। मतलब कंक्रीट में आप हनीकॉम्ब का मतलब क्या समझते हैं? तो दोस्तों, हनीकॉम्ब आल्सो नोन एज एयर पॉकेट इन नथिंग बट एयर वॉइड्स इन ए कंक्रीट इट इज यूजुअली फॉर्म ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। दोस्तों, जब हम लोग कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं तो उसमें सही से वाइब्रेटर न चलाने की वजह से उसमें एयर पॉकेट रह जाते हैं, एयर वॉइड्स रह जाते हैं, जिसको हम लोग हनीकॉम्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट TMT। TMT के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? दोस्तों, TMT स्टैंड फॉर थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, जनरली वी यूज TMT बार एंड सीट फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस फॉर द रीजन दैट दे हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंट कंपेयर टू नॉर्मल स्टील। जो दोस्तों TMT बार होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिससे सरिया निकलता है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड। इस ये टाइप के जो TMT बार होते हैं इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है नॉर्मल स्टील के अपेक्षा। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। TMT का मतलब थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, ये एक प्रोसेस होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट विच आर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसे OPC भी कहा जा सकता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जिसे PPC भी कहा जा सकता है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय M20। मतलब आप M20 ग्रेड के बारे में क्या। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय M20। M20 ग्रेड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो M स्टैंड फॉर मिक्स एंड 20 स्टैंड फॉर 20 किलो न्यूटन पर mm² विच इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब दोस्तों, जो M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है उसका 28 दिन पे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वह 20 किलो न्यूटन पर mm² के इतना रहना चाहिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डू यू मेजर द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट।
कंक्रीट का वर्कबिलिटी आप लोग कैसे जांचेंगे। तो दोस्तों, वर्कबिलिटी कैन मेजर बाय वेरियस मेथड। दोज मेथड आर स्लम टेस्ट, फ्लो टेस्ट एंड वीवी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। इस टेस्टों के माध्यम से हम लोग वर्कबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया। जो भारत में स्टैंडर्ड और नॉमिनल साइज होते हैं ईंटों के, वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, इन इंडिया स्टैंडर्ड ब्रिक साइज इज 190 mm, 190 mm गुणे 90 mm गुणे 90 mm होता है। अगर इसमें हम लोग मोटर एड कर दें 10 mm की, तो यही नॉमिनल साइज हो जाता है, ठीक है। जैसे 190 में 10 mm जोड़ दिए तो 200 mm हो गया, 90 में फिर से 100 mm जोड़ दिए, 10 mm जोड़ दिए तो 100 mm हो गया, फिर 90 में 10 mm जोड़ दिए तो 100 mm हो गया। यही जब हम लोग स्टैंडर्ड साइज में मोटर जोड़ लेते हैं तो ये नॉमिनल साइज हो जाता है, ठीक है। तो अब साइज हो जाएगा नॉमिनल ब्रिक का 200 mm गुणे 100 mm गुणे 100 mm। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मच स्लोप शुड बी केप्ट इन स्टेयर केस। दोस्तों, सीढ़ी में हम लोग कितना स्लोप रख सकते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है 25 से 40 डिग्री हम लोग स्लोप रखते हैं स्टेयर कोर्स में, स्टेयर केस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।